मुख्य है शिव ज्योतिर्लिंग बारह महिमा जिनकी अपार, मुख्य है शिव ज्योतिर्लिंग बारह महिमा जिनकी अपार, नाम जपे जो निश दिन इनका होवे बेड़ा पार, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। सौराष्ट्र के कण कण में तो गरिमा सोमनाथ की है, है क्रौंच गिरी पर शिव ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन कहलाया, मल्लिकार्जुन कहलाया, अवंतिका में महाकालेश्वर नर्मदा तट पर ममलेश्वर, नर्मदा तट पर ममलेश्वर प्रगट हुए शिव ज्योतिर्लिंग में केदार को तीर्थ बनाया, केदार को तीर्थ बनाया, इनके दर्शन से हो जाता पापों का संहार, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओ बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। वंश के भीमक नृप को शिव ने दे दिए दर्शन, शिव ने दे दिए दर्शन, तभी से शिव का ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर कहलाया, भीमा शंकर कहलाया, काशी स्थित विश्वेश्वर लिंग जो सृष्टि स्थल है पावन, जो सृष्टि स्थल है पावन, गोदावरी पर त्र्यंबक का गौतम ऋषि ने दर्शन पाया, गौतम ऋषि ने दर्शन पाया, जन्म जन्म के पापी जनों का होता यहाँ उद्धार, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। समीप विराजे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, अस्त्र शस्त्र दिए अर्जुन को और नागेश्वर कहलाए, और नागेश्वर कहलाए, रामेश्वर में है ये श्री सेतु बंध रामेश्वर लिंग, सेतु बंध रामेश्वर लिंग, इस शिवलिंग के सारे गुण स्वयं श्री राम ने गाए, श्री राम ने गाए, वेरुल में घुश्मेश्वर लिंग की होवे जय जयकार, वेरुल में घुश्मेश्वर लिंग की होवे जय जयकार, नाम जपे जो निश दिन इनका होवे बेड़ा पार, बोलो नमः शिवाय, 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 बोलो नमः शिवाय।